आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खंडित श्रेणी में बहुलक निकालना। तो इस श्रेणी में बहुलक मूल्य निरीक्षण और समूहीकरण विधि के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि डिस्क्रीट सीरीज में बहुलक निकालने के लिए दो मेथड्स काम में लिए जा सकते हैं। पहला है निरीक्षण द्वारा और दूसरा है समूहीकरण द्वारा। तो यदि आवृत्ति बंटन नियमित हो, नियमित मतलब कि रेगुलर हो, और उनके पद मूल्य सजातीय हो, तो निरीक्षण मात्र से ही बहुलक का निर्धारण किया जा सकता है। जिस मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वो ही मूल्य बहुलक माना जाएगा। तो नियमित क्रम से आशय क्या है, आवृत्तियों के ऐसे वितरण से है जहां प्रारंभ में वे बढ़ते क्रम में हो, मध्य में अधिकतम हो और फिर घटते क्रम में हो। ठीक है, तो ऐसा अगर है तो उसको निरीक्षण विधि से हम देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मार्क्स बता रखे हैं आपको 48, 49, 50, 51, 52, 53। आवृत्तियां बता रखी है 20 की फ्रीक्वेंसी बता रखी है, यानी कि ये एक्स बता रखा है और ये फ्रीक्वेंसी बता रखी है। तो यहाँ पे इसको नियमित डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहेंगे कि पहले तो बढ़ते हुए क्रम में है, बीच में मैक्सिमम है और फिर घटते हुए क्रम में है। तो इस तरह की अगर कोई आवृत्ति बंटन है तो उसमें हम निरीक्षण विधि से बहुलक निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखने से पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 है, तो 20 के सामने वाला जो एक्स होगा वो मॉड कहलाएगा। तो यहाँ पे बहुलक प्राप्तांक या जो भी चीज बता रखी है वो ये होगी, तो जेड निकल के आ जाएगा 50। ये हमने इंस्पेक्शन मेथड से निकाला। अब दूसरा मेथड देखेंगे हम, समूहीकरण यानी कि बाय ग्रुपिंग मेथड। तो जब श्रेणी में अनियमितता हो अथवा दो या इससे अधिक मूल्यों की आवृत्ति सबसे अधिक हो, तो ये निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि किस मूल्य को बहुलक माना जाए। तो ऐसी स्थिति में समूहीकरण के द्वारा बहुलक का मूल्य निकाला जा सकता है। समूहीकरण रीति के द्वारा बहुलक निकालने के लिए हमको तीन स्टेप करने पड़ते हैं। पहला तो है समूहीकरण सारणी बनाना, ठीक है, उसके बाद विश्लेषण सारणी बनाते हैं और फिर तीसरा बहुलक निकालते हैं। तो इन चीजों को हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहला है समूहीकरण सारणी बनाना। समूहीकरण सारणी बनाने के लिए ये ध्यान रखना आवश्यक है कि समूहीकरण हमेशा आवृत्तियों का ही किया जाता है, न कि मूल्यों का, यानी कि फ्रीक्वेंसीज जो बता रखी हैं उन्हीं को ग्रुपिंग मेथड से ऐड किया जाता है। तो इसके लिए जनरली 6 खाने बनाए जाते हैं, 6 कॉलम्स बनाए जाते हैं, और अधिक खाने सबसे पहला वाला जो खाना है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसीज लिखी जाएंगी। ठीक है, बता देते हैं, टोटल 6 कॉलम बनाए जाएंगे ग्रुपिंग मेथड में। ठीक है, तो सबसे पहले वाला जो कॉलम है उसमें फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी, दूसरे जो कॉलम है उसमें 2-2 का टोटल किया जाएगा, 2 का योग। ठीक है, तीसरा कॉलम है उसमें भी 2 का योग किया जाएगा, बाकी के 3 है उनमें 3-3 का योग किया जाएगा। ठीक है, 3 का योग। तो इस तरह से 6 खाने बनेंगे। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो हुआ आपका सारणी बनाना, ठीक है, समूहीकरण सारणी बनाना। फिर इसके बाद विश्लेषण सारणी बनेगी, उसमें हम देखेंगे कि कौन से मूल्य सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो वो वाला ग्रुप निकल के आ जाएगा आपका, है ना, वो या तो अगर डिस्क्रीट सीरीज होगी तो वो ही मूल्य जेड कहलाएगा, और अगर कंटिन्यूस सीरीज होगी तो वो ग्रुप निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर डिस्क्रीट सीरीज होगी तो 2 ही स्टेप में हो जाएगा और तीसरी चीज डायरेक्ट निकल के आ जाएगी, और अगर कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है तो कंटिन्यूस सीरीज में आपको ग्रुप पता लग जाएगा कि 20 से 30 के बीच में वो मॉड कहीं स्थित है। अब वो कहाँ स्थित है इसके लिए एक फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। ग्रुपिंग मेथड के लिए एक इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन लेते हैं।
इंडिविजुअल सीरीज में आपको बता रखा है जीरो से लेके सात तक, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये आपको एक्स बता रखा है। फ्रीक्वेंसी है ये आपको इसकी फ्रीक्वेंसी बता रखी है। अब इस क्वेश्चन में ग्रुपिंग मेथड से हमको सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले तो ये जो साइज है वो लिख रही है, दूसरा ये लिख रहा है। अब पहला जो कॉलम है वो तो ये ही वाला हो गया फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अब हम बनाएंगे कितने, पांच कॉलम और बनाएंगे, यानी कि एक दो तीन चार और पांच, पांच कॉलम बन गए। अब पहला कॉलम तो फ्रीक्वेंसी का है, यानी कि फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा है उसको एक एक मार्क दे दिया जाएगा। सबसे ज्यादा क्या है फ्रीक्वेंसी में, सबसे ज्यादा आठ है, तो इसका मतलब इनके इसको एक मार्क दे दिया, ठीक है। यहां भी आठ है तो इसको एक चिन्ह दे दिया। दूसरा जो कॉलम है वो बनेगा दो दो का टोटल। अब दो दो का टोटल कौन सा लेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर से शुरू करते हुए, यानी कि चार और पांच का टोटल कितना हुआ नौ, सात और छह का तेरह, ठीक है। इस तरह से चार पांच सात छह आठ सात पंद्रह, फिर आठ पांच तेरह, इस तरह से दो दो का पहला टोटल हो गया नौ तेरह पंद्रह तेरह। अब दो दो का दूसरा टोटल करेंगे, दूसरा टोटल का मतलब यह है कि पहले को छोड़ते हुए, तो सात पांच बारह आठ छह चौदह आठ सात पंद्रह, और सबसे नीचे वाले को छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम तीन तीन के ही बना लेंगे। तीन तीन का पहला वाला क्या बनेगा, सबसे ऊपर से शुरू करते हुए फोर फाइव सेवन को प्लस करेंगे, फिर इन तीनों को करेंगे, ठीक है। फिर नीचे के दो अगर बचे तो उनको छोड़ देंगे। तो सबसे पहले करेंगे थ्री फाइव और फोर को, तो थ्री फाइव और सेवन को, तो सात पांच बारह और चार सोलह, तो तीन तीन का ये आ जाएगा सोलह सिक्सटीन। फिर उसके बाद अगला देखेंगे सिक्स एट सेवन, तो सिक्स एट सेवन का टोटल करेंगे तो आ जाएगा ट्वेंटी वन। अब दो बचे तो उसको हम छोड़ देंगे। अब ऊपर का एक छोड़ के फिर तीन का टोटल करेंगे, सात पांच बारह और छह अठारह, तो ये अठारह आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे का टोटल करेंगे इन तीनों का तो वो आ जाएगा ट्वेंटी थ्री। अब ऊपर से दो छोड़ दो, दो छोड़ के तीन का करेंगे तो सात छह आठ, इनका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, ठीक है 21। और नीचे आएगा सात आठ पांच, सात आठ और पांच का टोटल करोगे तो वो आ जाएगा 20, ठीक है। तो हमने दो दो का टोटल करा सबसे ऊपर शामिल करते हुए और एक छोड़ते हुए, तीन तीन का टोटल किया, पहले एक छोड़ा फिर दो छोड़े, इस तरह से। अब ये देखेंगे इनको हमको मार्क्स देने हैं। पहला फ्रीक्वेंसी के आधार पर तो हमने एक एक दे दिया हाईएस्ट वालों को। इसमें देखो हाईएस्ट कौन सा है 15, और 15 जो है वो किसका टोटल है 8 का और 7 का। इस कॉलम में देखो 15, 15 किसका टोटल है इस 7 और 8 का। फिर इसके बाद देखो 21, 21 किसका टोटल है इन तीनों का, 21 किसका टोटल है इन तीनों का, ठीक है। यानी कि एक दो और ये तीन, ऐसे मार्क्स दे देंगे। फिर 23, 23 किसका टोटल है इनका इन तीनों का, यानी कि एक दो और तीन। फिर देखेंगे हम 21, 21 किसका टोटल है इन तीनों का, सात छह और आठ, ये और ये। तो इस तरह से हम देखें कि इसको एक चिन्ह मिला, इसको दो, इसको पांच, तीन और ये चार। तो सबसे ज्यादा चिन्ह किसको मिले हैं, चार को। ये क्या है x, तो ये जो फोर है वो कहलाएगा मॉड। तो सबसे अधिक आवृत्तियां इसमें है, फोर के सामने है, इसलिए फोर जो है वो बहुलक मूल्य होगा। तो इस तरह से ग्रुपिंग मेथड से इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज में मॉड निकाला जा सकता है।